नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने बीते शुक्रवार को अपनी सभाओं में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। राजा भैया ने अखिलेश यादव के उस बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें गुरुवार को अखिलेश ने कुंडा में कहा था कि कुंडा में कुंडी लगाओ फिर कभी खुलने ना पाए। राजा भैया ने कहा कि चुनाव लड़ रहे हो, लड़ो, लोकतंत्र है, सभी लड़ रहे हैं, अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां, घोषणा पत्र बताओ, लेकिन जो जिस भाषा में समझे वह कह रहे हैं। 10 मार्च को सरकार बन रही है, गलत फहमी दूर कर लें, ना सरकार बन रही है ना बनने दूंगा। हम भी चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का चुनाव शांति से निपट जाए, अपने क्षेत्र की बदनामी ना हो। अधिकारी, प्रेस, मीडिया चाहे जो कहे, लेकिन अपने क्षेत्र में चुनाव में कभी हिंसा नहीं हुई है। कुछ लोग हैं जो क्षेत्र को बदनाम करना चाहते हैं। आपको बता दें, बीते बृहस्पतिवार को कुंडा विधानसभा में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के समर्थन में आयोजित जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कुंडा में कुंडी लगा दो वाले बयान पर पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने पलटवार किया है। शुक्रवार को कुंडा इलाके में अपनी सभाओं में राजा भैया ने कहा कि धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कुंडा कुंडा ही रहेगा, 7 पीढ़ियां लग जाए नहीं बना सकते। प्रश्न ही नहीं उठता, राजा भैया के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजा भैया ने कहा कि नेताजी आए थे, हम बड़े दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, ऊंची टिप्पणियां की जा रही हैं, आपने देखा होगा और आप जानते होंगे हमने कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की, कभी हल्की बात नहीं की, हमने हमेशा मंच की गरिमा और भाषा की मर्यादा को बचाकर और बनाकर रखा है, लेकिन बहुत हो गया सुनते सुनते, तब जाकर आज हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, कुंडा के विधायक राजा भैया ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वहाँ अपनी प्रतिक्रिया दी। तो इन दोनों की प्रतिक्रिया का रिजल्ट क्या निकलता है, इसका आगे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ से विधायक कौन बनकर आता है, ये हमें आप बताएंगे अपने कमेंट्स देकर। तब तक के लिए नमस्कार। अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने राजा भैया पर निशाना साधा था और वहां की जनता से कह दिया था कि ऐसी कुंडी लगाओ कि कभी खुल ना पाए। यहां पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे, और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी ना खोल पाए। कुंडा के लोग हमेशा मंत्री देखते थे, कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था, बताओ हुआ मंत्री मिला कि नहीं मिला, रह गए खाली कि नहीं रह गए, और किसी की सरकार हो, सपा की सरकार हो मंत्री, बीजेपी की सरकार हो तो मंत्री, बताओ इस बार छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई। अगर छुट्टी वहां से हुई है तो छुट्टी अगर आप कर दोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मैंने सुना है कि जीतने के लिए सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो जो खराब बातें वो सब की जा रही हैं, हो सकता है धमकी भी मिले, हो सकता है कोई डराए भी, हो सकता है कि कोई लालच भी दे, हो सकता है कोई कुछ बांटे भी, बताओ उनके चक्कर में तो नहीं आ जाओगे, साइकिल याद रखोगे, और साइकिल को इसीलिए याद रखना कि सरकार बनने जा रही है, सरकार बनेगी तो कुंडा में भी गुलशन होगा, और गुलशन जीतेगा तो सरकार भी बनेगी। मुझे पता था ये माइक ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब जब माइक ठीक हुआ है तो सब ठीक हो जाएंगे, और रहे बच्चे आपके वोट से ठीक हो जाएंगे, बताओ वोट से ठीक करने के लिए वोट डालोगे कि नहीं डालोगे,
और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो बताओ ठंडे पड़ गए कि नहीं? ठंडे पड़ गए हैं। जब से वोट पड़ा है, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और अभी चौथे चरण में वोट पड़ा है, बीजेपी के लोग ठंडे पड़ गए हैं। और जो गर्मी निकाल रहे थे, अगर आज कुंडा का जन समर्थन देख लेंगे, अगर कुंडा के लोगों को आज देख लेंगे इतना, तो उनकी भाप निकल जाएगी, भाप। जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके आपको नौकरी देने का काम करेंगे, पुलिस में नौकरी निकालेंगे, पुलिस में भी नौकरी निकलेगी। और 11 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली है, उन सरकारी नौकरियों को भी भरने का काम नौजवानों को नौकरी दे करके करेंगे। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे लैपटॉप बांट दिए हैं। बताओ कुंडा के नौजवानों, किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दो। ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बाबा मुख्यमंत्री ने दिए आपको? और अभी आपने सुना होगा एक बीजेपी के नेता का भाषण, जो लैपटॉप देने की बात कर रहे थे, उनका भाषण सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि इंटर पास करके जो 12वीं पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वीं में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ आपको अपनी खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? खुल छुट्टा झुंड भर घूम रहे कि नहीं घूम रहे? गौशाला में गाय मर रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर सांड वो लोगों को टक्कर मार रहा है। बताओ टक्कर मार रहा कि नहीं मार रहा? एक बीजेपी वाले कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से इनकी सरकार आई है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। और जो पैसा गरीबों की जेब से लूट करके ये अमीरों की तिजोरी में भर रहे हैं, वही अमीर मौका पा करके बैंकों से पैसा लेकर के भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। बताओ भारत छोड़ के भागे कि नहीं भागे? एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के और 23,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, ये सरकार नहीं पकड़ पाई। अगर गरीब कुछ लोन ले ले और नहीं दे पाए तो उसे ये सरकार पकड़ लेती है, लेकिन अमीर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इनके नेता जो है वो झूठ बोलते हैं। बड़ा नेता है तो वो भी झूठ बोल रहा है, छोटा नेता है वो भी झूठ बोल रहा है। और अगर इनके भाषण सुनोगे तो आप देखोगे जो छोटे नेता है छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी, और इसीलिए ये सब कंपनियों को बेच दे रहे हैं, हवाई जहाज बेच दे रहे हैं, रेलगाड़ी बेच दे रहे हैं, कंपनियों को बेच दे रहे हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े, रोजगार न देना पड़े। समाजवादी सरकार ने तय किया है कि सरकार बनेगी
तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।